हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू एल के एकेडमी। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फेब्रुअरी सीरीज़ का नेक्स्ट करंट अफेयर्स लेक्चर। और आज जो हम बात करेंगे, तो पहले बात करेंगे जो हमारे टेस्ट क्वेश्चन आपको दिए गए थे। टेस्ट क्वेश्चन में आपको पहला जो सवाल था वो पूछा गया था विद टू फाइंड द करेक्टली मैच्ड पेयर्स फॉर नेशनल पार्क एंड विथ देयर रिस्पेक्टिंग स्टेट्स। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 1 और 4 ओनली। ओके, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो ऑलरेडी कहाँ पे है, आसाम में है। पापीकोंडा नेशनल पार्क जो है वो ओडिशा में ना होकर कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, तो ये पर आपका गलत हो जाएगा। मुकुर्थी नेशनल पार्क कर्नाटका में ना होकर तमिलनाडु में है। और दुधवा नेशनल पार्क जो कि है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा 1 और 4 ओनली। और ये कुछ लिस्ट मैंने आपको दिए हुए हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क के। आपको ये सारे नाम ट्राई टू रिमेम्बर ऑल दीज नेम्स। ओके, एक लिस्ट बना लीजिए और जहाँ पढ़ाई करने बैठते हैं वहाँ रोज एक बार जस्ट इसे पढ़ते जाइए एंड यू विल बी फाइन फॉर योर एग्जाम्स। गुजरात में कौन से नेशनल पार्क है, वांसदा नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वेड़ावदर, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क एंड एक मरीन नेशनल पार्क है जो कि है गल्फ ऑफ कच्छ में। तो ये मरीन नेशनल पार्क जो है वो भारत में एकमात्र है जो मरीन नेशनल पार्क है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, दैट इज विथ रेफरेंस टू स्वामी विवेकानंदा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए, हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल यूथ डे। B, he formed the Ramakrishna Mission in 1897. C, he preached Neo-Vedanta. And D, he wrote the book Rigved Bhashyam. तो सही आंसर आपका था, he wrote the book Rigved Bhashyam because the Rigved Bhashyam book was written by Swami Dayanand Saraswati. Question number 3 जो आपको पूछा गया था वो क्या था, वो था ट्रू नेट के बारे में कि भाई ट्रू नेट जो आजकल न्यूज में चल रहा है वो क्या है, तो वो है इंडिजीनियस डायग्नोस्टिक टूल फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस। तो टीबी को मेजर करने के लिए, टीबी की प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए एक इंडिजीनियस मेड इन इंडिया एक मशीन बनाया गया है जो कि क्या है, एक टूल बनाया गया है जिसका नाम है ट्रूनेट। ट्रूनेट इज एन इंडिजीनियस मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टूल फॉर टीबी डायग्नोसिस। इट वॉज डिवेलप्ड बाय गोवा बेस्ड मोल्बियो डायग्नोस्टिक्स। ओके, तो कौन से स्टेट की कंपनी ने इसको डेवलप किया है, तो वो है गोवा बेस्ड मोल्बियो डायग्नोस्टिक्स। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, आज का हमारा जो पहला करंट अफेयर्स टॉपिक है वो है राखीगढ़ी टू बी डेवलप्ड एज एन आइकॉनिक साइट। अब देखिए, अगर आपको पता हो तो जस्ट गो बैक टू 2019 और 2019 में हमें हरियाणा के राखीगढ़ी में एक आइकॉनिक साइट मिली थी जिसको हमने लिंक किया था हमारी हड़प्पन संस्कृति के साथ। सो उसी को एज अ टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करने की बात की गई है 2020 और 21 के बजट में, जो इस साल का बजट पेश हुआ 1 फरवरी को। यूनियन बजट हैज प्रपोज्ड टू डेवलप राखीगढ़ी विच इज इन हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा एज एन आइकॉनिक साइट। 4 अदर आर्कियोलॉजिकल साइट ऑल्सो बी डेवलप्ड इन कमिंग टाइम्स। वो कौन सी साइट से, एक है हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, दूसरा है शिवसागर असम, तीसरा है धोलावीरा गुजरात और चौथा है आदिचन्नलूर तमिलनाडु। तो ये चारों साइट प्लस राखीगढ़ी हरियाणा को आइकॉनिक साइट के तौर पर डेवलप किया जाएगा। वहाँ टूरिस्ट की संख्या बढ़े ऐसे स्पॉट बनाए जाएंगे, म्यूजियम्स बनाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें आने वाले समय में डेवलप होती हुई दिखेगी। अब राखीगढ़ी क्या है, राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अदर लार्ज साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट आर हड़प्पा, मोहेंजोदारो एंड गावेरीवाला इन पाकिस्तान एंड धोलावीरा गुजरात इन इंडिया। At Rakhigarhi, the excavations are being done to trace its beginnings and to study its gradual evolution from 6000 BCE to 2500 BCE। तो ये प्री हरप्पन फेज की जो एक्सकेवेशन में जो रिसर्च किया गया उसके बेस से हमें ये पता चला है कि उसको हम प्री हरप्पन फेज के साथ जोड़ सकते हैं। दी साइट वाज एक्सकेवेटेड बाय अमरेंद्र नाथ ऑफ ASI। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो एक ऑफिसर है जिनका नाम है अमरेंद्र नाथ, तो ये नाम भी आपको याद रखना है, उनके साथ इस उन्होंने इसको एक्सकेवेट किया है। तो ये अमरेंद्र नाथ नाम आपको याद रखना है। मेजर फाइंडिंग्स एट दिस साइट क्या मिला है? The archaeological excavations revealed the mature Harappan phase represented by plant township having mud brick as well as burnt brick house with a proper drainage system। तो देखिए ये हमें ऑलरेडी पता है कि जो हरप्पन टाइम के, जो हरप्पन संस्कृति के जो भी टाउन प्लानिंग हमें मिली है, तो वहाँ पे उनकी टाउन प्लानिंग और वर्ल्ड क्लास, ओके उस टाइम पे भी उन लोगों ने इतनी अच्छी टाउन प्लानिंग बना के रखी थी। फेज वाइज हाउसिंग कॉलोनीज थी, वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए थे, अच्छी तरह से स्कूल्स बनाए गए थे, आर्ट सेंटर बनाए गए थे। तो ये सारी चीज़ें हमें हड़प्पन संस्कृति के जो टाउन प्लानिंग है उसमें हमें देखने को मिलती है। सिलिंड्रिकल सील विथ 5 हड़प्पियन कैरेक्टर्स ऑन वन साइड एंड अ सिंबल ऑफ एन एलिगेटर ऑन द अदर साइड इज एन इम्पॉर्टेंट फाइंड फ्रॉम दिस साइड। तो काफ़ी सारे जो पॉटरीज मिली है उसमें ये 5 हड़प्पन कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं और एक साइड में एलिगेटर का पिक्चर बना हुआ है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग हमें वहाँ से मिली है। द सिरामिक इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेड बाय अ रेड वेयर विच इंक्लूडेड डिश ऑन स्टैंड, वेस, परफोरेटेड जार अमॉन्ग अदर्स। तो ऐसी सारी चीज़ें भी वहाँ से मिली है। अदर एंटिक्विटीज़ क्या मिली है? ब्लेड्स, टेराकोटा एंड शेल बेंगल्स, बीड्स ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स, एनिमल फिगरीन्स, टॉय कार्ट फ्रेम एंड व्हील ऑफ टेराकोटा, बोन पॉइंट्स, इंस्क्राइब्ड सैटेलाइट सील्स ऑफ सीलिंग। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से राखीगढ़ी से मिलती हुई दिखी है। एनिमल सेक्रीफिशियल पीट लाइंड विथ मड ब्रिक एंड ट्राइंगुलर एंड सर्क्यूलर फायर ऑल्टर्स ऑन दी मड फ्लोर हैव ऑल्सो बीन एक्सकेवेटेड दैट सिग्निफाइज द रिचुअल सिस्टम ऑफ हरप्पन्स। The excavations have yielded a few extended burials which certainly belong to a very late stage, maybe the medieval times। और इसके ऊपर से recent जो finding है वो हमें क्या मिली है? Recently a study of DNA from a skeletal remains। तो जो लाश को वहाँ पे दफनाया गया था उसके जो skeletons है वो अब तक वहाँ पे हमें बचे हुए हैं, तो उसके ऊपर जो DNA टेस्ट किया गया उससे हमें ये पता चला है कि हरप्पन सिमेट्रीज जो कि राखीगढ़ी में बनी हुई थी वो जो है वो हरप्पन सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं। राखीगढ़ी फाउंड दैट द पीपल इन द हरप्पन सिविलाइजेशन हैव एन इंडिपेंडेंट ओरिजिन। द स्टडी निगेट्स दैट द थियरी ऑफ हरप्पन्स हैविंग स्टेप पोस्टल और एंशियंट ईरानियन फार्मर एंसेस्ट्री। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आपके लिए, आपको नाम याद रखना है और ये पाँचों साइट के नाम आपको याद रखने हैं, खास करके गुजरात का नाम याद रखना है अगर आप गुजरात रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हैं तो। ओके, तो दैट इज राखीगढ़ी हरियाणा, हस्तिनापुर यूपी, शिवसागर असम, धोलावीरा गुजरात एंड आदिचनेल्लूर इन तमिलनाडु। ओके चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आवर सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला, जिसका इनॉग्रेशन किया हमारे प्रेसिडेंट ने, रामनाथ कोविंद जी ने। और ये कौन सा एडिशन था? 34th एडिशन ऑफ सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनोग्रेटेड द 34th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला इन सूरज कुंड हरियाणा ऑन February 1, 2020। द मेला इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द सूरज कुंड मेला अथॉरिटी एंड हरियाणा टूरिज्म इन कोलोब्रेशन विद यूनियन मिनिस्ट्रीज ऑफ टूरिज्म, टेक्सटाइल, कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर। देखिए कितनी सारी मिनिस्ट्रीज इस इंटरनेशनल फेयर को अरेंज करने के लिए साथ में काम करती है। ओके, तो वो है सूरज कुंड मेला अथॉरिटी एंड हरियाणा टूरिज्म फ्रॉम द स्टेट डिपार्टमेंट, फ्रॉम द स्टेट साइड, हरियाणा स्टेट साइड, एंड वो काम कोलोबरेट किसके साथ कर दिया है? यूनियन मिनिस्ट्रीज ऑफ टूरिज्म, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। तो टोटल 4 मिनिस्ट्रीज हो गई जिनके साथ स्टेट डिपार्टमेंट मिलकर इस मेले का आयोजन करता है। और इस बार का जो पार्टनर कंट्री था वो कौन सा था? पार्टनर कंट्री था वो था उज़्बेकिस्तान। ओके, सो उज़्बेकिस्तान इज द पार्टनर नेशन फॉर 34th सूरज कुंड मेला। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। और जो स्टेट थीम थी, तो थीम स्टेट जो था कि भाई कौन से स्टेट पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा या कौन से स्टेट की थीम को अपनाया जाएगा, तो वो थीम स्टेट था हमारे लिए इस बार हिमाचल प्रदेश। ओके तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। पार्टनर नेशन था उज़्बेकिस्तान एंड थीम स्टेट था हिमाचल प्रदेश। द सूरज कुंड मेला इज अ यूनिक इवेंट एज इट शोकेसेस द रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ द हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स एंड कल्चर फैब्रिक्स ऑफ इंडिया एंड इज द लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर इन द वर्ल्ड। देखिए इसीलिए ये हमारे लिए एग्जाम के related important exam point of view sir, because it is the largest craft fair in the world. The Mela was initiated in 1987 to promote the pool of skilled artisans who used indigenous technology but were suffering due to the cheaper machine-made imitations. The fair was upgraded to an international level in 2013. तो पहले ये नेशनल लेवल पे होता था, फ्रॉम 2013 इसको इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेले के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है. हिमाचल प्रदेश इज द थीम स्टेट. हिमाचल प्रदेश इज द थीम स्टेट and Uzbekistan is the partner nation for the year 2020. A record number of 20 countries participated in the Mela in 2015 when Lebanon was the partner nation and Chhattisgarh was the theme state. तो अब तक का जो सबसे highest number है वो कब का है? 2015 में सबसे highest number आपको देखने को मिला है. Every year each theme state constructs a replica of one of the most popular monuments of its state to be displayed as a commemorative structure in the Mela grounds. तो जो भी थीम स्टेट होगा वो अपनी एक जो सबसे अच्छी अपने स्टेट की जो मॉन्यूमेंट होगा उसका रेप्लिका बना के यहाँ पे डिस्प्ले में रखेगा. इंग्लैंड विल पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सूरज कुंड मेला. तो 2020 में इंग्लैंड पहली बार इस क्राफ्ट फेयर में हमारे साथ शामिल हो रहा है और इंग्लैंड पार्टिसिपेट कर रहा है. ओके, तो एक छोटा सा ईजी टॉपिक था आपके लिए. नाउ लेट्स गो टू बिट ऑफ इंटेंस टॉपिक एंड दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी और वो है हमारा बजट. तो देखिए, हम पूरा बजट डिसेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की ज़रूरत है उसी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. ओके, चलिए. तो पहली बात तो ये है कि बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि इस बार किसने किया? हमारे फिनेंस मिनिस्टर ने, निर्मला सीतारमन जी ने. इकोनॉमिक सर्वे रिप्रेजेंट करने का एक ट्रेडिशन है इन दी इंडियन पॉलिटिक्स. अदरवाइज आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये लिखा नहीं गया है कि इकोनॉमिक सर्वे जैसा कोई डॉक्यूमेंट आपको रिप्रेजेंट करना है. व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे? जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इकोनॉमिक सर्वे जो है लेखा जोखा. ओके, पिछले साल मुझे क्या खर्च हुआ, क्या इनकम हुई गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट कहाँ और सुधार कर सकती है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन से सेक्टर में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, आने वाले साल का क्या रोड मैप रहने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको इकोनॉमिक सर्वे में प्रोवाइड करवाई जाएगी. एंड इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर कौन करेगा? आपके जो चीफ फिनेंशियल एडवाइज़र जो होंगे, ओके, तो वो उसको प्रिपेयर करेंगे. इकोनॉमिक सर्वे में जो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दिए गए हैं उसको फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट बाध्य नहीं है. गवर्नमेंट इज़ नॉट बाउंड टू फॉलो ऑल दी रिकमेंडेशंस. अगर गवर्नमेंट को लगता है येस वी शुड इम्प्लीमेंट दिस, देन गवर्नमेंट विल गो हैड विद दैट पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन. चलिए आज बात करते हैं. और देखिए, इकोनॉमिक सर्वे के दूसरे दिन क्या प्रेजेंट होता है? उस दिन प्रेजेंट होता है आपका यूनियन बजट. ओके, और यूनियन बजट से पहले एक इम्पोर्टेंट हलवा सेरेमनी होती है, जो भी एक वन काइंड ऑफ अ ट्रेडिशन. और एक चीज़ याद रखिए, बजट नाम का, बजट शब्द जो है वो भी आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं देखने को नहीं मिलेगा. बजट इज नोन एज फिनेंशियल डॉक्यूमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो बजट नाम का कोई शब्द आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा. दैट इज़ फॉर आवर लेमन लैंग्वेज एंड दैट इज़ अ मीडिया टर्म कि भाई बजट आने वाला है और बजट क्या है. अदरवाइज इट इज़ अ फिनेंशियल डॉक्यूमेंट. ओके, चलिए. तो इस बार कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा ध्यान दिया गया है उसके बारे में हम डिस्कशन करें. उससे पहले जो जीडीपी के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन बजट में हमें दी गई है उसको जान लें. हमें पता है कि इस बार के बजट में एक गोल रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि भाई हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचना है. एज ऑफ नाउ वी आर 2.9 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड वी नीड टू रीच $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2025. आने वाले 5 सालों का ये गोल हमने डिसाइड किया हुआ है. चलिए, तो आगे हम चलेंगे. तो नॉमिनल ग्रोथ जो जीडीपी का है 2020-21 में वो कितना अज्यूम किया गया है? 10%. ओके, जो कि अब इस साल में हमें क्या लग रहा है, मुश्किल लग रहा है ड्यू टू दिस कोविड-19 पेंडेमिक. कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी बैकफुट पे जा चुकी है. तो उसको रिवाइव करने के लिए पहले हमें काफ़ी सारा काम करना पड़ेगा. Nominal GDP is an assessment of economic production in an economy that includes current prices in its calculation. Fiscal deficit कितना रहा है 2019-20 में? वो रहा है 3.8% और 2021 में वो 0.3% कम हो गया, कितना हो जाएगा? 3.5%. The estimation for the year financial year 20 was at 3.3, thereby deviating from the target set in the fiscal path. The government has made use of Section 4 of the FRBM Fiscal Responsibility and Budget Management Act, which provides a trigger mechanism for a deviation from the estimated fiscal deficit on account of structural reforms in the economy with अनएंटिसिपेटेड फिस्कल इम्प्लीकेशंस. तो हमने FRBM एक्ट बहुत डिटेल में हमने देखा हुआ है. तो इस बार के बजट में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने सेक्शन 4 ऑफ द FRBM एक्ट यूज कर लिया है. क्या एक्ट है कि भाई आपको अगर एस्केप क्लॉज जो है, ओके, सो एस्केप क्लॉज को गवर्नमेंट ने ऑलरेडी यूज कर लिया है. और एस्केप क्लॉज तब यूज किया जाएगा FRBM का जब आपके पास कोई आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए हो, जो कि हमने किए हैं, विच इज डीमोनेटाइजेशन एंड GST. ओके, या तो कोई युद्ध जैसी परिस्थिति हो या कोई नेचुरल कैलिमिटी हो, तो ऐसी चीज़ों में या ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट कैन यूज एस्केप क्लॉज. और एस्केप क्लॉज का मतलब ये है कि जो टारगेट डिसाइड किए गए थे उस टारगेट तक आप नहीं पहुंच पाए. क्यों नहीं पहुंच पाए? बिकॉज गवर्नमेंट हैड दिस इश्यूज इन हैंड. ओके, तो उस इश्यू को डील करने की वजह से हमारा पैसा वहाँ पर खर्च हो गया और हम जो FRBM में जो टारगेट सेट किए गए थे वहां तक नहीं पहुंच पाए. ओके, चलिए रीजंस क्या है. द इंक्रीज इन डेफिसिट एस्टीमेट इज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ द शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू कलेक्शन. और रेवेन्यू कलेक्शन में शॉर्टफॉल क्यों होता हुआ दिख रहा है हमें? क्योंकि GST है. ओके, क्योंकि GST लाया गया है इसीलिए. द गवर्नमेंट ऑन इट्स पार्ट हैज अलाउड इट्स एक्सपेंडिचर ऑन मेनी ऑफ द हेड्स. फॉर एग्जाम्पल, फूड सब्सिडी इन द बजट एस्टिमेटेड 2019-20 वॉज ओवर 1.84 lakh crore, which has been lowered to 1.08 lakh crore in the revised estimate. Fiscal deficit by definition क्या होता है? So fiscal deficit का simple मतलब अगर मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट की इनकम अगर 100 रुपये है और सामने गवर्नमेंट 106 रुपये का खर्चा कर रही है, ओके, साल भर के लिए, तो वो जो 6% का जो खर्चा ज़्यादा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, that is your fiscal deficit. Fiscal deficit is a difference between government's revenue receipt plus non-debt capital receipts and its total expenditure. Okay, उसको मैं उसी term को मैंने आपको layman language में समझा दिया. Fiscal deficit occurs कब होता है ऐसे fiscal deficit? So fiscal deficit occurs when a government collects lesser money in terms of personal and corporate taxes, GST, market loans and NDCR collect करेगी, बट सामने उसको खर्चा तो करना पड़ेगा. तो जब आपसे कम टैक्स कलेक्ट करके उसके सामने जब सालाना जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वो जब ज़्यादा हो जाएगा, तो गवर्नमेंट के पास जो एक्सपेंडिचर एंड इनकम का जो गैप होगा दैट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट. ऑन आइटम्स सच एज सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज, सब्सिडीज, पेमेंट्स टू स्टेट्स एंड सो ऑन. तो गवर्नमेंट के इतने सारे जो खर्चे हैं वो तो कम नहीं हो सकते, तो वो तो गवर्नमेंट को एज इट इज ही करने हैं. According to the Fiscal Responsibility Budget Management Act in India, the recommended fiscal deficit should be 3% of the GDP. तो FRBM Act में आपको ये बोला गया है कि भाई 2021-22 तक, ओके, साल 2021-2022 तक आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना होना चाहिए? 3%, जो कि हमारा इस बार कितना है? 3.8%. So we are still 0.8% हायर देन दी एक्सपेक्टेड टारगेट. रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? सो 2.7% ऑफ GDP बाय डेफिनेशन. रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स. तो जितनी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हुई है उससे ज्यादा आपका रेवेन्यू खर्च हो चुका है, दैट इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट. इकोनॉमी की साइज क्या है? इंडिया इज नाउ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ GDP. तो अगर GDP की बात करें तो इंडिया अब टॉप 5 इकोनॉमी में एंटर कर चुकी है. ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन कौन से रेट पे जा रहा है? तो 7.4% इज द एवरेज ग्रोथ क्लॉक्ड ड्यूरिंग 2014 to 2019. ये 5 सालों के दौरान जो एवरेज ग्रोथ हुआ वो कितना हुआ? 7.4 विथ इन्फ्लेशन एवरेजिंग अराउंड 4.5%. और इन्फ्लेशन कितना था? 4.5%. पॉवर्टी एलिविएशन कितना हुआ? कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए? तो देखिए 271 मिलियन पीपल रेज्ड आउट ऑफ पॉवर्टी ड्यूरिंग 2006 टू 2016. इन 10 सालों में 271 मिलियन पीपल गरीबी पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए हैं. FDI India's foreign direct investment elevated to $284 billion US during 2014-19 from $190 billion during 2009 to 2014. ओके, तो जो हमारा FDI जो था, FDI मीनिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर की कोई कंपनी अगर इंडियन मार्केट में आके काम करती है, एम्प्लॉयमेंट देती है लोगों को, सो दैट इज नोन एज FDI. तो वो 2009 से 2014 के जो 5 साल थे, जब UPA 2 की सरकार थी, तब कितना था? $190 बिलियन, जो कि बढ़कर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 1 के टाइम पे कितना हो चुका? $284 बिलियन. सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डेप्ट थी, जो उनके ऊपर जो उनको जो पैसे चुकाने थे इंटरनेशनल मॉनिटरी एजेंसीज को, वो कितने हो गए? 48.7% ऑफ GDP फ्रॉम 52.2% एज ऑफ, जो कि थे मार्च 2014 में. तो ये 5 सालों में देखिए ऑलमोस्ट 3% जितना हमारा जो डेप्ट है वो भी क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है. और ये जो आपका ग्राफ दिख रहा है वो आपको टॉप 10 जो इकोनॉमीज है वो दिखा रहा है. तो नंबर 1 पे कौन अभी राज कर रहा है? तो वो है USA. दैट इज 21.4 US ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी. ओके, देखिए 21.4 ट्रिलियन US डॉलर उतनी साइज है US इकोनॉमी की. उसके बाद है चाइना विथ 14.1, उसके बाद है जापान विथ 5.2, देन जर्मनी एंड देन इंडिया. तो व्हाट इज अवर टारगेट? दैट वी नीड टू जंप टू $5 ट्रिलियन इकोनॉमी फ्रॉम दिस $2.9 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी. ओके, ऑलमोस्ट डबल जितना हमें क्या करना है? ग्रो करना है. यूके है 2.7 ट्रिलियन पे, फ्रांस है 2.7 ट्रिलियन पे, इटली है 2.0 ट्रिलियन पे, ब्राजील 1.8 ट्रिलियन एंड देन कनाडा 1.7 ट्रिलियन. तो ये टॉप 10 इकोनॉमीज एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द GDP. ओके, जो GDP ग्रोथ है इन 2019 उसके हिसाब से ये फिगर्स आपको दिए गए हैं और यही फिगर गवर्नमेंट ने भी बजट में पेश किए हैं. चलिए अब थोड़ी बात करते हैं 15th फाइनेंशियल कमीशन की. अब फिनांस कमीशन क्या होता है? तो फिनांस कमीशन इसलिए बनाया जाता है कि भाई जो टैक्स के थ्रू जो गवर्नमेंट के पास इनकम आती है, उस इनकम को स्टेट में कैसे डिवाइड किया जाए, जस्ट फॉर दिस सोल पर्पस फिनांस कमीशन बनाया जाता है. और अभी जो फिनांस कमीशन जो फंक्शनिंग है वो कौन सा फिनांस कमीशन है? दैट इज 15th फिनांस कमीशन. द फिनांस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी that determines the method and formula for distributing the tax proceeds between the center and the state governments and among the states as per the constitutional arrangement and present requirements. तो कौन से state को कितना पैसा जाना चाहिए? देखिए इंडिया में जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस हिसाब से गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड कर्नाटक, सो ये जो स्टेट्स है वो सबसे ज़्यादा टैक्स के रूप में पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजते हैं. बट जब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा डिवाइड करती है, पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है टू दी ऑल दी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तब गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र को तो सबसे ज़्यादा पैसा नहीं मिलता. वो पैसा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल ऐसे गरीब राज्यों को दिया जाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है. तो ये किसने डिसाइड किया? ये चीज़ें डिसाइड करता है हमारा फिनेंस कमीशन. अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ फिनेंस कमीशन एट एन इंटरवल ऑफ 5 years और अर्लियर. द 15th फिनेंस कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन November 27 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ NK Singh. और इन्हीं NK Singh की एक और कमेटी बनाई गई थी जिनके चेयरमैन थे NK Singh और जो थी FRBM रिव्यू कमेटी. और इसी FRBM रिव्यू कमेटी ने एस्केप क्लॉज को FRBM एक्ट में अमेंड किया था. दिस कमीशन इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट बाय नवंबर एंड 2019. तो अभी जो रिपोर्ट आई है दैट इज एन इंटरिम रिपोर्ट. ये साल खत्म होते होते फाइनल रिपोर्ट गवर्नमेंट को दे दी जाएगी. इट्स रिकमेंडेशन विल कवर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम अप्रैल 2020 टू मार्च 2025. तो ये 5 सालों के लिए जो पैसा आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो सेंटर और स्टेट के बीच कैसे डिवाइड होगा, वो डिसाइड करने का काम कौन करेगा? फिनेंस कमीशन विद द चेयरमैनशिप ऑफ एनके सिंह. सो एक चीज खास आपको याद रखनी है कि भाई 15th फिनेंस कमीशन ने एक रिकमेंडेशन जो इंटरिम रिपोर्ट में बताया है वो क्या है कि वो है 15th फिनेंस कमीशन हैज कट स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस टू द स्टेट्स बाय 1 percentage point टू 41%. ओके, अब ये जो है वो क्या है, ये जो है वो इसके जो 14th फिनेंस कमीशन में था ये था 42%. ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 42% वॉज रिकमेंडेड बाई दी 14th फिनेंस कमीशन. ओके, और ऐसा क्यों हुआ भाई? पहले तो सारे स्टेट को हिस्सा था वो कितना मिलता था, जो सेंट्रल टैक्सेस जो जाते थे उसका 42% हिस्सा स्टेट्स को मिलता था, राइट? उसको 41% क्यों कर दिया गया है? क्योंकि अब हमारे पास 2 नई यूनियन टेरिटरीज बन चुकी है जो कि है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, विच विल गेट फंड्स फ्रॉम दी सेंटर्स शेयर. ओके, पहले अगर उनको स्टेट के तौर पर जब पैसा दिया जाता था तो पूरा पैसा जाता था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को, बट अब तो पूरा सेंट्रली गवर्न्ड एरिया हो गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा और उसीलिए स्टेट का शेयर जो है वो क्या कर दिया गया है, 1% घटा दिया गया है. So this is due to the newly formed union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh, which will get funds from the center's share, which means devaluation will be for 28 states compared to 29 states earlier. तो पहले 29 states में पैसा बांटा जाता था, अब 28 states में पैसा बांटा जाता है. ओके, तो आने वाले 5 सालों में जो सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर होगा स्टेट के लिए वो कितना होगा, 41%. ये चीज़ आपको खास याद रखनी है. चलिए, चेंजेस इन टैक्सेशन, तो ये भी एक बड़ी बात है कि इस बार के बजट में फिनांस मिनिस्टर ने हमें 2 ऑप्शंस दिए हैं कि अगर आपको पुरानी टैक्स मेथड के साथ जाना है तो भी आप जा सकते हो, और एक नई टैक्स मेथड इंट्रोड्यूस की गई है, अगर आप उसके साथ जाना चाहते हो तो उसके साथ भी जा सकते हो, विच इज बेनिफिशियल टू यू. ओके, सो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डीडीटी जो है उसको रिमूव कर दिया गया है. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो कि है उसको रिमूव कर दिया गया है. इंस्टेड ऑफ कंपनीज पेइंग डीडीटी ऑन द डिविडेंड दे गिव आउट, डिविडेंड इट इज रिलेटेड टू शेयर्स एंड बॉन्ड्स. अगर आपने किसी कंपनी के शेयर लेके रखे हैं तो हर साल वो कंपनी आपको डिविडेंड के तौर पर कुछ पैसा आपके अकाउंट में जमा करवाएगी, उसके ऊपर कंपनीज को क्या भरना पड़ता था, टैक्स भरना पड़ता था, जो कि अब उसको रिमूव कर दिया गया है. इंस्टेड ऑफ कंपनीज पेइंग डीडीटी ऑन द डिविडेंड दे गिव आउट, द डिविडेंड इनकम विल नाउ बी एडेड टू टैक्सेबल इनकम ऑफ द रिसिपेंट एंड टैक्स्ड एट द एप्लीकेबल रेट. तो अब पहले कंपनी इसके ऊपर टैक्स देती थी, अब जिसके अकाउंट में डिविडेंड डाला जा रहा है, डिविडेंड का पैसा, ओके, मान लीजिए मेरे पास XYZ कंपनी के 200 शेयर है और कंपनी को अच्छा मुनाफा हुआ तो कंपनी ने ये डिसाइड किया कि भाई एक शेयर के ऊपर ₹2 या ₹3 का डिविडेंड दिया जाएगा. तो अब क्या हो जाएगा कि मेरी जो टोटल इनकम होगी ₹200 के हिसाब से, मुझे 200 शेयर के हिसाब से अगर ₹2 डिविडेंड मिल रहा है तो ₹400 मुझे सालाना डिविडेंड मिलेगा. उस ₹400 को मेरी टोटल इनकम के साथ जोड़ दिया जाएगा और उसके ऊपर अब सेंट्रल गवर्नमेंट को मुझे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा. ओके, चलिए, इनकम टैक्स, सो न्यू टैक्स स्लैब्स एंड लोअर इनकम टैक्स रेट्स जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है. अराउंड 70 ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस टू बी रिमूव्ड इन द न्यू सिंप्लीफाइड रेजीम. तो अब जो नया टैक्स सिस्टम लाया गया है वो थोड़ा बहुत आपको सिंप्लीफाइड होता हुआ दिख रहा है. New tax regime to be optional and individual may continue to pay tax as per the old regime and avail deductions and exemptions. Otherwise, he can opt out not to avail any deductions and pay according to the new tax regime. Okay, और ये जो है वो आपके tax slot है. देखिए, ये जो है वो अब तक के till 1 February 2020 तक के tax rate है जो कि आने वाले टाइम में कंटिन्यू रहेंगे ही रहेंगे, बट जो नया एक ऑप्शनल चीज आपको दी गई है वो ये है. ओके, ये न्यू टैक्स रेट, तो अगर मैं ये न्यू टैक्स रेट के थ्रू अपना टैक्स अगर भरता हूं तो मुझे कोई भी एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगे. ओके, तो या तो मैं ये चूज कर सकता हूं या तो मैं ये चूज कर सकता हूं. तो दिस इज और ओके, अगर मैं पुरानी मेथड के साथ जाता हूँ तो मुझे सारे 80C, 80D के एग्जाम्शंस भी मिलेंगे और मुझे इसके हिसाब से अपने टैक्स स्लॉट मुझे अपना चुनना पड़ेगा। तो अगर मेरी इनकम 0.2 लाख तक है ईयरली इनकम, ओके एनुअल इनकम, तो मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना है इन बोथ द केसेस। इन द केस ऑफ 2.5 टू 5 लाख इन बोथ द केसेस द इनकम टैक्स रेट इज 5%। From 5 to 7.5 lakh it is 20%, but for new tax rates it is 10%। बट देखिए यहाँ पे टैक्स कम है, बट मुझे कोई भी डिडक्शन मतलब 80C, 80D जैसी कोई चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगी। 7.5 to 10 lakh तो भी देखिए टैक्स रेट कम है, बट भी सेम चीज़ मुझे कोई डिडक्शन एग्जेम्पशंस यहाँ पे नहीं दिखेंगे। 10 to 12.5 lakh के लिए यहाँ पे है 30%, जो पुराना टैक्स स्लैब था और यहाँ पे हो गया है वो 20%। 12.5 टू 15 लाख में हो गया है ये 30% एंड दिस इज 25%, और अबव 15 लाख दोनों में क्या रखा गया है 30%। ओके, कॉर्पोरेट टैक्स को भी घटा दिया गया है। कंसेशनल कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफ 15% टू न्यू डोमेस्टिक कंपनीज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड पावर सेक्टर, जो कि पहले था 22.5%। 5% health cess to be imposed on imports of medical equipment, given these are made significantly in India. Issuance of unique registration number to all charity institutions for easy tax compliance. विवाद से विश्वास स्कीम, जब मैं आपका बिल जो सारे इम्पोर्टेंट बिल्स है 2019 और 2020 के, तो एक पूरा हम जो ड्राफ्ट बिल का पूरा एक लेक्चर में आपका कवर करूंगा, उसमें इसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे विवाद से विश्वास बिल के बारे में। विथ अ डेडलाइन ऑफ 30 जून 2020 टू रिड्यूस लिटिगेशन इन डायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर मेरे सामने मेरे ऊपर कोई अगर टैक्स फ्रॉड के या टैक्स चोरी के कोई मामले अगर पेंडिंग है, तो गवर्नमेंट ने मुझे एक ऑप्शन दिया है कि भाई आपके ऊपर सारे जो लीगल केसेस लगे हैं उसको हटा दिया जाएगा, बशर्ते कि आप 30 जून तक अपना सारा जो टैक्स बाकी है वो वॉलेंटरीली सामने से आके आप पेमेंट कर दीजिए। आपने कितनी भी चोरी की है उसको गवर्नमेंट माफ़ कर देगी, कोई लीगल केस आप पे नहीं चलाया जाएगा। दैट इज नोन एज विवाद से विश्वास स्कीम। ओके, चलिए और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो 100% टैक्स एग्जेम्पशन टू द इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड कैपिटल गेन्स इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट मेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रायोरिटी सेक्टर्स before 31st March 2024 with a minimum lock-in period of 3 years by sovereign wealth fund of foreign governments। तो अगर आप जो specific bonds है foreign government के, उसमें अगर आप include करते हो अपना पैसा with minimum lock-in period of 3 years, तो आपको 100% टैक्स एग्जेम्पशन दे दिया जाएगा। देखिए क्यों मिनिमम लॉक इन पीरियड रखा जाता है, ताकि उतने टाइम के लिए जो आपका पैसा है वो गवर्नमेंट को यूज करने को मिले, राइट? 3 साल के लिए आपको वो पैसा भूल जाना है। आपका पैसा कौन यूज करेगा? गवर्नमेंट यूज करेगा। एंड गवर्नमेंट आफ्टर 3 इयर्स गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू दी प्री डिफाइंड यील्ड। ओके, जो प्री डिफाइंड रिटर्न है उसको आपको दिया जाएगा। तो ये जो सारी चीजें थी वो आपकी रिलेटेड थी, इकोनॉमी से रिलेटेड इन दी 2020 बजट। चलिए अब जो यूनियन बजट 2021 की हम बात करेंगे वो है सोशल सेक्टर को क्या मिला है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को क्या मिला है। तो पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की। अब देखिए जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 से गवर्नमेंट में आए हैं, तो उनका एक स्पेसिफिक गोल रहा है कि भाई आज़ादी के 75 साल पूरे होने तक दैट इज बाय 2022 हर एक फार्मर की, देश का जो फार्मर है किसान है, 2022 तक उसकी जो इनकम है उसको डबल करना है। तो उसके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की और उसी को आगे ले जाने की बात इस बजट में की गई है। अब बजट एलोकेशन ऑफ 2.83 लाख करोड़ फॉर 16 एक्शन पॉइंट्स। द एक्शन पॉइंट्स इंक्लूड मेजर्स टू प्रोवाइड फार्मर्स एक्सेस टू फार अवे मार्केट्स बाय रनिंग ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ टू फार्मर्स फ्रॉम वेस्ट वाटर शॉर्टेज। तो दो एक बड़ी स्कीम किसानों के लिए स्टार्ट की जाएगी, जो कि होगी किसान रेल एंड कृषि उड़ान। ओके, जो किसानों के जो क्रॉप होंगे जो जल्दी से हो सकता है कि बिगड़ जाते हो, ऐसे जो क्रॉप्स होंगे उनको किसान रेल और फ्लाइट की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। एट दिस स्टेज किसान जो है वो रोडवेज का इस्तेमाल करते हैं, उसको और ट्रांसपोर्टेशन को और फास्टर बनाने के लिए किसान रेल एंड कृषि उड़ान स्टार्ट की जाएगी। और जो वाटर शॉर्टेज फेस कर रहे हैं किसान, उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इट विल ऑल्सो इंक्लूड वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट फॉर बेटर मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट इन हॉर्टिकल्चर सेक्टर। द स्कीम इज ऑलरेडी फंक्शनल इन उत्तर प्रदेश। अब देखिए काफी इंटरेस्टिंग स्कीम है। अगर हमें सबका साथ सबका विकास करना है तो अगर मैं सिर्फ कंट्री के वेस्टर्न साइड में इंडस्ट्री खोलता रहूंगा तो वो चलेगा नहीं चलेगा। तो पूरा जो मेरा फिनेंशियल मार्केट है वो कंट्री के वेस्टर्न साइड में ही सेंट्रलाइज्ड होकर रह जाएगा। उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि अगर कोई जगह पे मान लीजिए कोई 300-400 स्क्वायर किलोमीटर का अगर कोई एरिया है जिसमें एक या दो डिस्ट्रिक्ट, मेजरली एक डिस्ट्रिक्ट जिसमें कवर हो जाएगा, तो ऐसा एरिया मोस्ट प्रोबेबली उसकी जो ज़मीन होगी वो एक तरह की ज़मीन होगी, टेम्परेचर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगी वो भी एक ज़िले में साल भर के दौरान एक जैसी रहेगी। तो अगर मान लीजिए कि कोई जो डिस्ट्रिक्ट है वो पोटैटो की फार्मिंग के लिए, मतलब वहाँ की ज़मीन पोटैटो की फार्मिंग के लिए काफ़ी अच्छी है, ओके, तो गवर्नमेंट वहाँ के किसानों को इसके लिए एनकरेज करेगी कि भाई आप पोटैटो के लिए अगर आपकी ज़मीन बेनिफिशियल है पोटैटो के क्रॉप के लिए, देन वाई यू आर ग्रोइंग ऑनियन इन दैट पर्टिकुलर लैंड। तो गवर्नमेंट अब ये ट्राई करेगी कि एक ज़िले में जितने भी 8,000, 9,000, 10,000 या एक्स नंबर ऑफ किसान जो होंगे, तो मैक्सिमम लोग किसकी फार्मिंग करें, पोटैटो की फार्मिंग करें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जाना जाएगा, ओके। और गवर्नमेंट को भी जो अपने ट्रांसपोर्टेशन है, पेमेंट है, उसमें आसानी हो जाएगी कि भाई गवर्नमेंट को अगर मान लीजिए कि पोटैटो बाई करना है फार्मर से, तो 10 जगह अपने रिसोर्सेज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक दो या तीन डिस्ट्रिक्ट में अपने रिसोर्सेज लगा दिए, वहीं से वो जो भी पूरा क्रॉप होगा पोटैटो का, उसको उठा के वो मार्केट में बेचने के लिए रख सकेगी। सो दिस इज नोन एज वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट, एंड दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू फार्मिंग, एनी अदर इंडस्ट्री ऑल्सो दिस कैन बी एप्लीकेबल, ओके। और देखिए यूपी में, कर्नाटका में अगर आप जाओगे तो काफ़ी सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए फेमस है, राइट। देखिए जैसे मैं सूरत की बात करूँगा तो सूरत टेक्सटाइल बिजनेस के लिए भी फेमस है, सूरत डायमंड इंडस्ट्री के लिए भी फेमस है। तो दोनों इंडस्ट्री का जो पैसा है वो एक ही शहर में आके जमा हो रहा है। इससे बेटर है कि अगर टेक्सटाइल को यहाँ से हटाकर, दिस इज हाइपोथेटिकल थिंग जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, कि टेक्सटाइल को मान लीजिए अगर भरूच या बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में अगर सेंट्रलाइज किया गया हो तो पहले से, तो जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो इक्वल डेवलपमेंट होता, राइट। सो अब गवर्नमेंट आने वाले सालों में इसी को ट्राई करेगी। द फोकस इज ऑल्सो ऑन जैविक खेती पोर्टल एंड जीरो बजट फार्मिंग, ओके। जीरो बजट फार्मिंग पिछले बजट में ऑलरेडी डिस्कस काफ़ी इस पर हो चुका था इन 2019 बजट, उसी को आगे ले जाने की बात की है इस बार निर्मला सीतारमन ने। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट स्कीम है वो है कुसुम स्कीम, ओके, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान, जो कि है जो खाली ज़मीन पड़ी है अगर किसी फार्मर के पास, तो वहाँ पे सोलर पैनल लगाने का जो काम है, सब्सिडाइज्ड सोलर पैनल दी जाएगी फार्मर्स को ताकि वो अपनी बिजली खुद उत्पाद कर सके। एग्री क्रेडिट विल बी अवेलेबिलिटी सेट एट 15 लाख करोड़ फॉर 2021। तो देखिए 15 लाख करोड़ रुपए की लोन आने वाले समय में दी जाएगी, आने वाले एक साल में किसानों को सस्ते ब्याज दर पे। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान क्या स्कीम, ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि साल भर अगर किसान की कोई ज़मीन खाली पड़ी रहती है, अनप्रोडक्टिव पड़ी रहती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भाई उससे भी आपको पैसा कमाना चाहिए। कैसे? तो 60% जितनी सब्सिडी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 30% जितनी लोन देगा आपका बैंक, 10% पैसा किसान को खुद भरना पड़ेगा, और वो सोलर पैनल अपने खेत में या अपनी खाली ज़मीन पर लगा सकता है। सोलर पैनल से दो फायदे होंगे, एक तो सोलर पैनल से किसान को गवर्नमेंट के बिजली पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, वो आत्मनिर्भर बन पाएगा, और जो एक्स्ट्रा बिजली जो प्रोडक्शन में होगी उसको नेशनल ग्रिड के जरिए नेशनल ग्रिड को दे दिया जाएगा, मतलब वो किसान जो अपनी सोलर पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी उसने प्रोड्यूस की है उसको स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को बेच देगा। इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? गवर्नमेंट को ये फायदा होगा कि गवर्नमेंट जहां जहां बिजली नहीं पहुंचा पा रही है वहां पे गवर्नमेंट उस गांवों तक भी बिजली पहुंचा पाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसे लाखों किसान खुद अपनी बिजली खुद से प्रोडक्ट करेंगे और ज्यादा बिजली गवर्नमेंट को बेचेंगे। तो दोनों तरफ से यहाँ पे फायदा होगा। जब बेचा जाएगा बिजली को तो किसान के पास एक एक्स्ट्रा इनकम खड़ी हो जाएगी, जो कि इस गवर्नमेंट का एक गोल है। और जीरो बजट फार्मिंग का जो आइडिया है वो दिया था सुभाष पालेकर ने, ओके, जो कि बिलोंग करता है कर्नाटका में, और कर्नाटका में ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली चला चुका है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि भाई विदाउट एनी बजट, अगर मेरे पास कोई भी पैसा भी नहीं है तो भी किसान साल भर की अपनी जो फार्मिंग है वो कर सकना चाहिए। तो आजकल के किसान, देखिए आपको कई बार ऐसा होता होगा कि वे आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने काफी सारे लोन लिए हुए अपने सर के ऊपर, और अगर एक भी बार कम बारिश होती है या बारिश नहीं होती है, ओके, अगर ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो जाती है तो उनके पास बैंक्स को चुकाने के लिए पैसा नहीं होता और वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो सुभाष पालेकर जी ने ये कहा कि वाई यू आर यूजिंग दिस ऑल टेक्नोलॉजिकल स्टफ, राइट, यू यूज योर बेसिक स्टफ टू डू योर फार्मिंग। अगर आपके पास छोटी ज़मीन है तो आपको गवर्नमेंट इतना अगर मदद कर रही है कि भाई बीज दे रही है, बिजली प्रोवाइड करवा रही है, फ्री पानी प्रोवाइड करवा रही है, तो आपको लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पेस्टिसाइड भी आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, पेस्टिसाइड भी आप घर में ही प्रोड्यूस कर सकते हो। तो वही चीज़ आपको ज़ीरो बजट फार्मिंग में समझाई गई है। दिस इज़ जस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडी। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए और आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, चलिए, तो बेसिकली जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इन नटशेल तो वो क्या है? तो वो चार व्हील्स पे चलते हैं, जो है बीज मित्रा, जीव मित्रा, मल्चिंग एंड वपासा। ओके, अब देखिए बीज मित्रा क्या है? तो कि बीज कैसे होने चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट, अच्छे बीज है बुरे बीज है उसकी पहचान होनी चाहिए, रिमूव टॉक्सिस एंड गिव्स डिजीज रेजिस्टेंस टू प्लांट। जीव मित्र क्या है? तो अगर जमीन अच्छी तरीके से प्रोसेस्ड की हुई होगी, उसकी ट्रीटमेंट अगर अच्छी तरीके से होगी तो आपका जो क्रॉप है वो अच्छा ही उगेगा। इंक्रीज मैक्रो ऑर्गेनिज्म काउंट इन द सॉइल। मल्चिंग क्या है? सॉइल प्रोटेक्शन, क्रिएट्स कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेस इन द सॉइल। वापासा क्या है? सॉइल एनरिचमेंट, किस तरह से मेरी जो न्यूट्रिशन है जमीन के वो बढ़ाया जाए। टेक्निक यूज फॉर ट्री प्लांटेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में याद रखनी है। और क्या क्या है? अग्निशास्त्रा, नीमशास्त्रा एंड ब्रह्मास्त्रा। ओके, तो जस्ट आपको ये नाम याद रखने हैं, आपको डिटेल में प्रीलिम्स में ये चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। आपको जो अगर पूछा जाएगा भाई बीज मित्र जीवा मित्र किसके साथ जुड़े हुए हैं, देन यू शुड बी एबल टू आंसर कि भाई वो ये जो कॉन्सेप्ट है वो जुड़ा हुआ है जीरो बजट फार्मिंग के साथ, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के साथ। ओके, चलिए, हेल्थ सेक्टर के लिए बजट में क्या कहा गया है? तो बजट में कहा गया है कि भाई 69,000 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे हेल्थ सेक्टर को टू इम्प्रूव हेल्थ फैसिलिटीज। प्रपोजल्स टू सेटअप हॉस्पिटल्स इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज विथ द प्राइवेट सेक्टर यूजिंग पीपीपी मॉडल। एक्सपेंशन ऑफ जन औषधि केंद्र स्कीम टू ऑल डिस्ट्रिक्ट बाई 2024। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक जन औषधि केंद्र होगा बाय 2024, ये टारगेट रखा गया है। अ टास्क फोर्स टू बी अपॉइंटेड टू रिकमेंड रिगार्डिंग स्टेप्स रिक्वायर्ड टू लोअर द मैटरनल मोर्टालिटी रेट एंड इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन। ओके, तो ये जो इतना पैसा दिया गया है 69,000 करोड़ हेल्थ सेक्टर के लिए। एजुकेशन के लिए कितना पैसा दिया गया है? एजुकेशन के लिए देखिए ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपीस दिया गया है। ओके, 99,300 करोड़ फॉर द एजुकेशन सेक्टर इन 2021 एंड अबाउट 3,000 करोड़ फॉर स्किल डेवलपमेंट। अर्बन लोकल बॉडीज टू प्रोवाइड इंटर्नशिप टू यंग इंजीनियर्स फॉर अ ईयर। देखिए हमने इन जनवरी में हमने ट्यूलिप इंटर्नशिप के बारे में एक बात की थी, राइट। तो ट्यूलिप इंटर्नशिप क्या है कि भाई टाउन प्लानिंग, सिविल इंजीनियरिंग करके जो बच्चे आ रहे हैं उनको कम से कम 1 साल के लिए अर्बन एरियाज में एक्चुअल हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल के लिए इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाई जाए। इससे दोनों को फायदा होगा, अर्बन मैनेजमेंट को क्या फायदा होगा, अर्बन बॉडी को, कि नए नए आइडियाज उनको मिलेंगे, और जो ग्रेजुएट्स हैं उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, राइट। तो ये भी बजट में कहा गया है और ऑलरेडी गवर्नमेंट ने उसके लिए ट्यूलिप नाम की जो स्कीम है वो लॉन्च कर दी है। डिग्री लेवल फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम्स बाय इंस्टीट्यूशंस रैंक्ड इन द टॉप 100 इन NIRF रैंकिंग्स especially to benefit unprivileged students. A National Police University and the National Forensic Science University is proposed to be set up. और क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा INDSAT exam for students of Asia and Africa to promote study in India program. तो अगर मान लीजिए एशिया के अन्य देशों से और अफ्रीकन कंट्री से अगर वो इंडिया में आना चाहे तो उसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगी जिसको क्या नाम दिया जाएगा, INDSAT एग्जाम। ओके, और ये क्या है, स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम, ताकि बाहर से ज्यादा बच्चे अगर यहाँ पे आके पढ़ते हैं जो इंडिया से जो एजुकेशन के सेक्टर में जो कम प्रिविलेज्ड कंट्रीज है वहाँ के बच्चे अगर यहाँ पे आके पढ़ते हैं तो इंडिया को क्या मिलेगा, फॉरेन करेंसी मिलेगी। ओके चलिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के दौरान ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ जितना जो पैसा है, 103 लाख करोड़ जितना पैसा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में डाला जाएगा। ओके, एन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज टू बी सेट अप एट द गिफ्ट सिटी गांधीनगर। प्रोसीड्स फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट विल गो ओनली इनटू कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नॉट इनटू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या किया जाएगा, बजट प्रपोजेस टू प्रोवाइड 1.7 लाख करोड़ फॉर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन 2021. National logistics policy to be released soon. Chennai-Bengaluru expressway to be started, and government to monetize 12 lots of national highways by 2024. तो इतना जो पैसा है वो ट्रांसपोर्ट में डाला जाएगा। रेलवेज में क्या किया जाएगा रेलवे सेक्टर में, तो गवर्नमेंट ने ये एम डिसाइड किया है टू अचीव इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ 27,000 किलोमीटर ऑफ रेलवे लाइन्स। प्लान टू हैव अ लार्ज सोलर पावर कैपेसिटी फॉर इंडियन रेलवेज, ताकि रेलवेज को भी सोलर एनर्जी पर चलाने का गवर्नमेंट का प्लान है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी सोलर से प्रोड्यूस की जाएगी, देन उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। 100 मोर एयरपोर्ट्स विल बी डेवलप्ड बाय 2024 टू सपोर्ट उड़े देश का आम नागरिक स्कीम। ओके, एंड व्हाट इज उड़ान स्कीम, तो वो है आपकी कि जो नॉमिनल प्राइजेस पे मिडिल क्लास आदमी और गरीब इंसान भी हवाई जहाज के सफर कर सके। इससे जो लोकल इकोनॉमी है उसको क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा लोकल एविएशन सेक्टर को। 5 न्यू स्मार्ट सिटीज इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोर, तो आने वाले एक साल में 5 नए स्मार्ट सिटीज बनाए जाएंगे। तो ये था आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। कल्चर एंड टूरिज्म के लिए क्या किया जाएगा, सो प्रपोजल टू एस्टैब्लिश इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन। 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स टू बी डेवलप्ड एज आइकॉनिक साइट, जो कि हमने हमारे पहले न्यूज़ में आज ही देख लिया, वो है राखीगढ़ी हरियाणा, हस्तिनापुर यूपी, शिवसागर असम, धोलावीरा गुजरात एंड अदिचेनेल्लूर तमिलनाडु। मैरीटाइम म्यूजियम टू बी सेटअप एट लोथल, और इसमें हमारा साथ कौन दे रहा है, कौन सा कंट्री, पोर्टुगल। ओके, पोर्टुगल इसमें हमें मदद कर रहा है, पोर्टुगल, गुजरात गवर्नमेंट, इंडियन नेवी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये 4 पार्टीज इसमें कंट्रीब्यूट करेगी। ट्राइबल म्यूजियम इन रांची, ओके, तो रांची में एक ट्राइबल म्यूजियम बनाया जाएगा। एंड अ म्यूजियम ऑन न्यूमिस्मेटिक्स एंड ट्रेड टू बी एस्टैब्लिश्ड, और एक म्यूजियम बनाया जाएगा जो कि होगा न्यूमिस्मेटिक्स एंड ट्रेड के ऊपर। ओके चलिए, फिनेंशियल सेक्टर और गवर्नेंस के ऊपर क्या इस बजट में दिया गया है, सो बैंक डिपॉजिट्स इंश्योरेंस कवर हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख पर डिपॉजिटर। गवर्नमेंट प्लान्स टू अमेंड द कंपनीज एक्ट टू डीक्रिमिनलाइज द सिविल ऑफेंसेस। गवर्नमेंट टू सेल पार्ट ऑफ इट्स स्टेक इन LIC वाई पब्लिक ऑफरिंग। हमें पता है कि देखिए गवर्नमेंट IRCTC ऑलरेडी पब्लिक कर चुकी है। ओके मतलब रेलवे का कुछ हिस्सा ऑलरेडी लोगों को दिया जा चुका है, उसी तरह से LIC को भी पब्लिक कर दिया जाएगा। आपको अगर LIC के शेयर खरीदने होंगे आने वाले कुछ टाइम में तो आप वो भी खरीद पाओगे आफ्टर दिस ऑल COVID-19 सिचुएशन गेट्स टू नॉर्मल। स्कीम टू एनकरेज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड सेमीकंडक्टर पैकेजिंग। हमारे आने वाले प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी इस स्कीम के बारे में हम बात कर चुके हैं। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स, इस पे खास ध्यान दिया जाएगा। और इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाने की बात चल रही है थ्रू दी नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। निर्विक स्कीम फॉर हायर एक्सपोर्ट क्रेडिट डिस्बर्समेंट लॉन्च्ड। तो निर्विक स्कीम के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टर्स है उनको ज्यादा लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाएगी। सेटिंग अप ऑफ एन इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल टू प्रोवाइड एंड टू एंड फैसिलिटेशन। अर्ली लाइफ फंडिंग प्रपोज्ड इंक्लूडिंग अ सीड फंड टू सपोर्ट आइडिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्टेज स्टार्टअप। एमएसएमई के लिए क्या कर दिया गया है, जो ऑडिट थ्रेशोल्ड है उसको बढ़ाकर 1 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया गया है। और इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि भाई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लिमिट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इंक्रीज फ्रॉम 15% कर दिया गया है फ्रॉम 9% ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग स्टॉक। तो इसीलिए देखिए इसका फायदा हमें होता हुआ दिखा है जून 2020 में 2020 का सबसे ज़्यादा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमें आता हुआ दिखा। और सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल और हेल्थ सेक्टर में ये चीज़ हमें पैसा इन्वेस्ट होता हुआ दिखा। NBFC's eligibility limit for debt recovery reduced from 500 crore to 100 crore asset size and 1 crore to 50 lakh loan size। ओके चलिए ये बातें आपकी सारी हो गई बजट के रिलेटेड जो आपको एग्जाम में शॉर्टली पूछी जा सकती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है विक्रम साराभाई सेंटेनरी प्रोग्राम। तो विक्रम साराभाई की 100th बर्थ एनिवर्सरी को मनाने के लिए इसरो ने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स 2019-2020 के साल में चला के रखे हैं। इसरो एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आर कंडक्टिंग वेरियस इवेंट्स एट नेशनल लेवल इन अ ईयर लॉन्ग प्रोग्राम टू कमेमोरेट 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई। The celebration began on 12th of August 2019 in Ahmedabad, where Sarabhai was born on the same day in 1999. He also led the establishment of the Physical Research Laboratory in the city in 1947. The celebrations would conclude exactly a year later on 12th of August 2020 in Thiruvananthapuram, Kerala, where he had set up the first rocket launching station of India. Also, ISRO has recently announced the Vikram Sarabhai Journalism Award in Space Science, Technology and Research. ये भी आपके लिए exam point of view से important है. As part of the centenary year celebrations of Dr. Vikram Sarabhai, the father of Indian space program. तो इसका जो announcement है वो अगस्त 2020 में किया जाएगा। और ये किसको दिया जाएगा, तो उन जर्नलिस्ट को दिया जाएगा जिन्होंने स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च के बारे में अपना जर्नलिज्म किया हो, आर्टिकल्स लिखे हो, तो उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। कौन थे विक्रम साराभाई। इंडिया में जो भी आप आज एस्टेब्लिशमेंट देख रहे हो, वी ऑल थैंक्स टू डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम अंबालाल साराभाई वॉज एन इंडियन फिजिसिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हु इनिशिएटेड स्पेस रिसर्च एंड हेल्प्ड डेवलप न्यूक्लियर पावर इन इंडिया। तो उन्हीं के चलते ये सारी जो ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन है वो की जा रही है। देखिए उनको कहा जाता है फाउंडिंग फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। उन्होंने काफ़ी सारी अपनी थियोरी दी, काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए, जिसकी वजह से इसरो आज इतना अच्छा काम कर रहा है। साराभाई वॉज अवॉर्डेड 2 इंडियाज हाइएस्ट ऑनर्स, पद्म भूषण इन 1966 एंड पद्म विभूषण पोस्ट ह्यूमसली इन 1972। तो उनको 2 हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा गया है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है हमारे लिए संतुष्ट पोर्टल। क्या है संतुष्ट पोर्टल, तो जो लेबर लॉज है उन लेबर लॉज को ऑन ग्राउंड मॉनिटर करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ये पोर्टल लॉन्च किया है, ताकि जितने भी लेबर के जुड़े जो ग्रीवियंसेस है उसको इजीली सॉल्व किया जा सके और उन पे नजर रखी जा सके। द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज लॉन्च्ड संतुष्ट पोर्टल टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज एट द ग्रास रूट लेवल। श्रमिकों की समस्याओं का फटाफट समाधान करने के लिए संतुष्ट पोर्टल लाया गया है, ताकि उनके जो भी ग्रीवियंसेस है, जो इश्यूज है, उसको जल्दी से सॉल्व कर दिया जा सके। ओके, तो आपको याद रखना है संतुष्ट पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्रीज को लाया है एंड उसका मेन पर्पस क्या है। सो दैट इज श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ संतुष्ट इज टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इफेक्टिव delivery of public services and implementation of policies and schemes of Ministry of Labour and Employment at the grassroots levels through constant monitoring. Entering 2020, the government aims to implement all four codes on wages, industrial relations, social security and occupational safety, health and working conditions. These are expected to improve ease of doing business and safeguard the interest of workers. Also, for public grievances, as of now, CPGRAMS portal is already activated. तो CPGRAMS में ऑलरेडी कंप्लेंट्स अगर आप रजिस्टर करते हो तो उसका विद इन स्टिपुलेटेड टाइम आपको उसका सोल्यूशन दे दिया जाता है. एंड दिस इज सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट CPGRAMS, दैट इज सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंसेस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम. इट इज एन ऑनलाइन, जिसको अगर गुजराती में नाम बोलना हो तो वो हो जाएगा केंद्रीय शिकायत निवारण केंद्र, ओके, फरियाद निवारण केंद्र. इट इज एन ऑनलाइन वेब अनेबल्ड सिस्टम डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT in association with Directorate of Public Grievances and Department of Administrative Reforms and Public Grievances under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. It aims to receive, redress and monitor the grievances of the public. It provides the facility to lodge a grievance online form from any location, and also it enables the citizen to track online grievances being followed up with departments concerned, and also enables DARPG to monitor the grievances. किस अधिकारी के पास आपकी कंप्लेन अभी पड़ी हुई है, उसको कितने टाइम में उसको सॉल्व करना है, ये सारी चीजें आपको इस पोर्टल पे देखने को मिल जाएगी. ओके, चलिए, तो ये था आपका आज का लेक्चर. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अंडर द लेक्चर्स. लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक